नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौर। पेश है शनिवार 13 जनवरी शाम 7:15 बजे की बड़ी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रविवार को कानपुर वायु सेना स्टेशन में पूर्व सैनिकों को रैली के साथ 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के राष्ट्रव्यापी समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सर्वोच्च बलिदान और समर्पित सेवा के लिए युद्ध स्मारक पर देश के रणबांकुरों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष तीनों सेनाओं द्वारा यह कार्यक्रम देश भर में 10 स्थानों श्रीनगर, पठानकोट, दिल्ली, कानपुर, अलवर, जोधपुर, सिकंदराबाद और कोची में मनाया जा रहा है। सिकंदराबाद में कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट करेंगे। दिल्ली में यह कार्यक्रम मोनिक्शा सेंटर में आयोजित किया जाएगा और इसमें वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख शामिल होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से अपने अपने प्रदेशों में इस दिन को मनाने का आग्रह किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने राजस्थान में राजधानी जयपुर सहित अन्य क्षेत्रों में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी व पतंग लूटने के लिए रेल पटरियों या उसके आसपास नहीं जाने की अपील की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने रेलवे की तरह से कहा है कि इस मौके पर प्राय देखा जाता है कि कुछ लोग पतंगबाजी व पतंग लूटने के लिए रेलवे पटरियों और उसके आसपास आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है और इससे बिजली के तारों में करीब 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेल पटरियों पर या उसके नजदीक पतंग उड़ाना खतरनाक हो सकता है और इससे रेल दुर्घटना भी हो सकती है या बिजली का करंट भी लग सकता है। राजस्थान में सचिन पायलट समर्थक नेताओं ने एक दिन में 2 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराए। कांग्रेस के पार्टी फंड में ऑनराइन राशि जमा कराई गई। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन के जन्मदिन पर 138 नेताओं ने क्राउड फंडिंग किया। प्रत्येक ने 1,38,000 की राशि क्राउड फंडिंग अभियान के तहत ऑनलाइन जमा कराई। सचिन पायलट के दिल्ली स्थित आवास पर सभी नेता जुटे हुए थे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धौलपुर में रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के साथ 26 जनवरी को लेकर भी आरपीएफ किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए लगातार सर्चिंग अभियान चलाए हुए है। आरपीएफ थानाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के साथ 26 जनवरी को लेकर रेलवे पुलिस के साथ रेलवे के दूसरे विभागों ने पटरियों पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। राजस्थान में माइनस तापमान और गलन भरी सर्दी से लोगों को आज कुछ राहत मिली। माउंट आबू, फतेहपुर, सीकर और चूरू में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है। सर्द हवा थमने और धूप निकलने से अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर समेत कई शहरों में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले कुछ दिन राज्य में मौसम साफ रहने और तापमान में सामान्य रहने की संभावना जताई है और वहीं 16 जनवरी से 3 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एरिया में एक हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर के एरिया में धुंध रही और इस कारण नॉर्दर्न विंड आनी थम गई और इससे जयपुर, बीकानेर के अधिकांश शहरों का मिनिमम तापमान भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। राजस्थान विधानसभा के 19 जनवरी से शुरू हो रहे सत्र को लेकर अब सप्ताह भर से भी कम का समय रह गया है। इस सत्र की सबसे खास बात यह है कि नई विधानसभा गठन के बाद पहली बार होगा जब जनहित से जुड़े सवालों पर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा सरकार पर हमलावर रहेगी और इधर विपक्ष के सवालों का जवाब देने और सरकार का बचाव करने के लिए भाजपा विधायक दल भी पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचेगा। गौरतलब है कि नई विधानसभा गठन के बाद हुए पहले सत्र में नए विधायकों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। ऐसे में इस सत्र से अब जनहित के सवालों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का आमना सामना होगा। विधायक ना सिर्फ अपने अपने क्षेत्र के सवाल ही उठाएंगे बल्कि राज्य स्तरीय सरोकार रखने वाले मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएंगे। घरेलू बिजली में सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल के तहत सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी है। घर पर सोलर सिस्टम लगाने पर अब सब्सिडी ज्यादा मिलेगी।
राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल के तहत सब्सिडी में संशोधित किया गया है। नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय पोर्टल पर नई दरें लागू भी कर दी गई हैं। आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता 3 किलोवाट तक की परियोजनाओं के लिए 14,588 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से ऊपर और 10 किलोवाट तक की परियोजनाओं के लिए 7,294 से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दी गई है। राजस्थान के मंत्रिमंडल में यादव समाज की उपेक्षा के आरोप में यादव समाज की ओर से आज अलवर के जेल सर्किट पर धरना प्रदर्शन किया गया। यादव समाज की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार प्रदेश में बनी सरकार में समाज के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई है। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी थी कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मंत्रिमंडल में यादव समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो पूरे राजस्थान में यादव समाज विरोध प्रदर्शन करेगा। राजस्थान में खनन माफियाओं के खिलाफ भजनलाल सरकार अब एक्शन में आ गई है। सरकार की ओर से एक स्पेशल ड्राइव की योजना बनाई गई है जिसकी मदद से वे खनन माफियाओं से निपटने की तैयारी कर रही हैं। राजस्थान में नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक विशेष अभियान के माध्यम से खनन माफिया से निपटेगी जिसमें अवैध खनन की जांच के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा और नियमित आधार पर खनन पट्टों की नीलामी के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी। खनन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए 5 दिवसीय अभियान की योजना भी बनाई गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर में मनाया जाएगा। राजस्थान में सरकार ने इस मौके पर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मंदिरों में विशेष आयोजन करने का फैसला किया है। देवस्थान विभाग ने सभी जिलों के लिए कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं जिसमें वे अपने अपने जिले के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर दिखाने की व्यवस्था करें। इस मौके पर हर मंदिर में एक स्क्रीन लगाई जाएगी जिस पर अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाए। इसके अलावा हर मंदिर में सत्संग या सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाए और मंदिर में विशेष आरती के बाद प्रसाद का वितरण करवाया जाए। राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात की विशेषताओं का लाभ उठाएगा। इसके लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों का एक दल जल्द ही गुजरात के दौरे पर भेजा जाएगा। यह दल एनर्जी सेक्टर में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने वाले गुजरात सरकार की नीतियों का अध्ययन करेगा। इसके बाद राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इन्हें लागू करने की संभावनाओं को तलाशेगा। दरअसल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने गए प्रदेश की ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार देर रात को गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात कर इस संबंध में गहन विचार विमर्श किया। मकर संक्रांति की रात से लेकर अगले 19 घंटे तक सीकर के प्रसिद्ध खाटूश्याम मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। दरअसल 16 जनवरी को बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा होनी है। मंदिर कमेटी ने संबंध में आदेश जारी किया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 16 जनवरी को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक किया जाएगा। ऐसे में 15 जनवरी की रात 9:30 बजे से 16 जनवरी की शाम 5 बजे तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहला बांसवाड़ा दौरा 14 जनवरी को तय हो चुका है। सीएम शाम को करीब 5:15 पर बांसवाड़ा पहुंच जाएंगे। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। सीएम शर्मा 15 जनवरी को सुबह 10:15 बजे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगे। 11 बजे तलवाड़ा खेल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शामिल होकर वहां संवाद कर सभा को संबोधित करेंगे। पंचाल टेंट के ऑनर दिनेश पंचाल ने बताया कि सीएम के लिए खेल मैदान में 300x250 फीट का पंडाल बनाया जाएगा और वहीं 25x30 फीट का स्टेज तैयार किया जा रहा है। शिविर में करीब 15,000 से 20,000 लोग शामिल होंगे। सीएम इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे। बारां जिले के बापचा थाना क्षेत्र के उच्चावत गांव के पास पार्वती नवेद नदी में अवैध बजरी खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। जब्तशुदा ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग की टीम ऑफिस लेकर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के पास कुछ ग्रामीणों ने टीम को रोक लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और जब्तशुदा ट्रैक्टर को छुड़ा कर ले गए।
हमले में वन विभाग के कार्मिकों को चोटें आई है। यह घटना शुक्रवार की है जिससे जुड़ा एक वीडियो शनिवार को सामने आया है। पुलिस ने क्षेत्रीय वन विभाग अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है। इस उत्सव को लेकर देश भर में चर्चा है। अयोध्या में भगवान राम के उत्सव में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जा रहे हैं। इन सबके बीच जयपुर के पांचावाला के रहने वाले रितेश धानका ने अयोध्या जाने के लिए मुश्किल रास्ता चुना। रितेश दंडवत करते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। रितेश ने 10 जनवरी को अपनी यात्रा की शुरुआत की जो 13 जनवरी को ट्रांसपोर्ट नगर तक पहुंचा। रितेश ने बताया कि वह रोजाना 5 से 7 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।